बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल मेथड का इनर प्रोडक्ट स्पेस है और आज हमने इसकी थ्योरम करनी है, जो कि थ्योरम है 7.14 थ्योरम है। इससे पहले हमने 7.15 और 7.16 कर ली थी। पेज नंबर एस एम यूसुफ की बुक का 304 और थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है कि नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, कोई उनमें रिपीट नहीं हो रही। तो स्टेटमेंट जो है ये मैं जो है ये दोबारा बता रहा हूँ, अगर हमारे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 सो ऑन या लैम्डा एन तक हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट आइगन वेक्टर्स हैं v1, v2, v3 सो ऑन अप टू vn, तो प्रूफ हमने करना है कि ये जो आइगन वेक्टर्स हैं दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए हम चलते हैं कि लेट v1 कॉमा v2 सो ऑन अप टू vn आर आइगन वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ अ मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 सो ऑन अप टू लैम्डा एन, और साथ ये भी लिख लेते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि लैम्डा 1 के अगेंस्ट v1 है, लैम्डा 2 के अगेंस्ट v2 है एंड सो ऑन, लैम्डा एन के अगेंस्ट आइगन वेक्टर क्या है vn, और जब डिस्टिंक्ट आएगा इसका मतलब है दीज ऑल आर डिफरेंट रिस्पेक्टिवली। क्या लफ्ज़ है रिस्पेक्टिवली, ये हमारे पास आ गया। वी हैव टू प्रूव दैट, ये भी लिख लें ज़रा, वी वांट टू प्रूव दैट v1 v2 सो ऑन अप टू vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इसको प्रूव करने के लिए वी यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन या इंडक्शन मेथड फॉर दिस, वी यूज़ इंडक्शन मेथड जो हम फर्स्ट ईयर में भी यूज़ करते हैं। तो हम लेते हैं नंबर 1, लेट n इज़ इक्वल टू 1, अगर n इज़ इक्वल टू 1 है तो हमारे पास एक ही वेक्टर आएगा, देन v1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अकेला वेक्टर जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अकेला वेक्टर क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिकॉज v1 इज़ नॉट इक्वल टू नल वेक्टर। इस तरह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे हम लेते हैं ये देखें, अगर आप कि a1 v1 इज़ इक्वल टू ये नल वेक्टर, v1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर v1 0 नहीं है तो इसका मतलब है a1 v1 इज़ इक्वल टू 0 है, और अगर v1 इज़ नॉट इक्वल टू ये नल वेक्टर तो a1 इज़ इक्वल टू 0, जब a1 0 हो जाएगा तो v1 लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन सिंपल है, जब अकेला v1 आ गया तो v1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसे हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। नंबर 2 हम लेते हैं When n is greater than 1, यानी अब वेक्टर्स की तादाद 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन जितने भी हैं, देन सपोज थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल के लेस देन आर इक्वल टू n माइनस 1,
पहले हम लिया करते थे n इज इक्वल टू k, और फर्स्ट ईयर में फिर n प्रूव करते थे n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए, और n पे कहते थे थ्योरम इज टू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n का कोई जिक्र नहीं, हमारे पास वेक्टर ही हैं v1 v2 v3 vn। तो एक बार जो है हम लेंगे n माइनस वन तक, और फिर हम प्रूव करेंगे अप टू n तक। जब ये फॉर एल के है, इस इट मीन्स, इसका मीनिंग ये हुआ, जब हमने कह दिया थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल के लेस देन इक्वल टू वन, इट मीन्स v1 v2 v3 ये तीनों या चार या पांच अप टू vn माइनस वन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमने सपोज कर लिया है कि ये कोई लीनियर जो है v1 से लेके vn माइनस वन तक वेक्टर जो हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी अगर हमारे पास कांस्टेंट हैं α1 α2, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 प्लस αn माइनस वन vn माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब हम लेंगे लेट नंबर थ्री पे आ जाते हैं, इसे क्या लें नंबर थ्री। नाउ लेट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ओवन प्लस ए एन वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने प्रूव करना है कि a1 भी ज़ीरो है, a2 भी ज़ीरो है, सो वन और अप टू ए एन भी ज़ीरो है। तो ये क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो वेक्टर के। इट इसे हम कह लेंगे नंबर वन, क्या कह लेते हैं नंबर, इक्वेशन नंबर वन। जब इसको इक्वेशन नंबर वन कह लेंगे तो ये याद रखें कि जब राइट साइड पे जो मैंने लिखा है ये ज़ीरो नहीं, इसे एक बार मैंने ज़ीरो कह दिया, ये है ज़ीरो वेक्टर। ये है हम इट इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाई, इसको दोनों साइड पे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो वन an vn इज इक्वल टू a और नल मैट्रिक्स। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आएगा, a1 a v1 प्लस a2 a v2 प्लस सो वन और an avn इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जब ये आ गया तो हमने पढ़ा है कि v1 जो है ये है आइगन वेक्टर अगेंस्ट लैम्डा वन, तो हमने पढ़ा हुआ है av इज इक्वल टू लैम्डा वन। तो av1 को हम रिप्लेस कर देंगे, इट इम्प्लाइज दैट a1 av1 आ जाएगा a1 λ1 v1, ये आएगा a2 λ2 v2 प्लस होगा और ये आएगा an λn v n इज इक्वल टू नल वेक्टर। यहाँ मैं ज़रा एक स्टेप और करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कि इट इम्प्लाइज दैट a1 λ1 v1 प्लस a2 λ2 v2 प्लस सो वन और इधर इससे पीछे आएगा an−1 λn−1 vn−1 प्लस, इसके आगे जब चलेंगे तो ये वाला आएगा प्लस an λn vn इज इक्वल टू 4। ये मैंने किया, ये रकम भी लिख दी और इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। अब जो इक्वेशन नंबर वन थी ये वाली, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लैम्डा एन के साथ, और यहाँ पे भी देखिए इसके पीछे आएगा an−1 vn−1। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई लैम्डा एन, जब उसको लैम्डा एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास a1 λn v1 प्लस a2 λn v2 प्लस हो वन और उसमें भी है एंड पे हमारे पास, और उसके मैं पीछे वाले भी लिखूँगा जैसे ये मैंने लिखी, तो आएगा an−1 λn v n−1 और एंड पे आ जाएगा an λn v n इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और इसे मैं थ्री कह दूँगा।
सिर्फ मैंने किया कि सेकंड लास्ट इसकी भी लिख दी है और इसकी भी लिख दी है, तो ये ज़रा क्लियर आपको नज़र भी आ जाए। ये देखें ए वन जो है ए वन लैम्डा एन वी वी वन प्लस ए टू लैम्डा एन वी टू, हर एक को मैंने लैम्डा एन से मल्टीप्लाई किया और अब हमने क्या करना है, टू में से थ्री को माइनस कर देना। टू में से थ्री को मैं माइनस करूँगा तो ये ज़रा भी देखिएगा, ये एंड वाली टर्म जो है ए एन लैम्डा एन वी एन और ए एन लैम्डा एन वी एन ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए एन माइनस वन कामन आएगा, वी एन माइनस वन कामन आएगा, ब्रैकेट में आएगा लैम्डा एन माइनस वन माइनस लैम्डा एन। इसी तरह इधर ब्रैकेट में आएगा लैम्डा वन माइनस लैम्डा एन, यहाँ ब्रैकेट में आएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा एन। अब हम लिखेंगे इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री, तो अब आएगा हमारे पास इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री। जब ये माइनस करेंगे इधर आप ये क्लियर भी हो जाए, ये देखिएगा इसमें से मैं ये करने लगा हूँ माइनस, तो ये आएगा मेरे पास ए वन, ए वन ब्रैकेट में आएगा लैम्डा वन माइनस लैम्डा एन वी वन, आगे आएगा प्लस ए टू ब्रैकेट में आएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा एन वी टू प्लस वन, और जब सेकंड लास्ट पे आएंगे ये वाला, इसमें से हम ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा प्लस ए एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस वन माइनस लैम्डा एन वी एन माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल होगा, एंड वाली जो है वो टर्म कट जाएगी। अब जब आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें वेक्टर है हमारे पास वी वन वी टू वी थ्री सो वन अप टू वी एन माइनस वन, और हमने कहा था कि दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट, सिंस वी वन वी टू वी थ्री सो वन अप टू वी एन माइनस वन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमने सपोज भी किया था, तो सो फिर जो इनके कोएफिशिएंट हैं ये ज़ीरो आ जाएंगे। तो सो ए वन लैम्डा वन माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू ए टू लैम्डा टू माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू सो आम, और ये आएगा ए एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस वन माइनस लैम्डा एन इज़ ये ज़ीरो, इनके कोएफिशिएंट ज़ीरो आएंगे। अब देखिए या ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है या ये, अब ये तो ज़ीरो नहीं, हमने डेफिनेशन में कहा, स्टेटमेंट में कहा कि दे आर डिस्टिंक्ट, लैम्डा वन इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा टू, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, तो सिंस लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री सो ऑन अप टू लैम्डा एन आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये सारे के सारे क्या हमने लिए थे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो जब ये सारे के सारे जो है ये डिस्टिंक्ट हैं, ज़ीरो नहीं है, तो हमारे पास आया ए वन ज़ीरो ए टू ज़ीरो ए थ्री ज़ीरो और चलते चलते हमारे पास आया ए एन माइनस वन ज़ीरो। अब जब ए वन भी ज़ीरो आ गया, ए टू भी ज़ीरो आ गया, ए थ्री भी ज़ीरो आ गया, सो ए एन माइनस वन भी ज़ीरो आ गया, तो फिर जो हमने ये डिस्पोज किया था नंबर थ्री पे, ये देखें ये था हमारे पास कंडीशन थ्री, लेट ए वन वी वन ए टू वी थ्री ए एन वी एन इज इक्वल टू ओ। तो इसके पीछे है जो है वो क्या आएगा, इसके पीछे ए एन माइनस वन वी एन माइनस वन, तो जब ये सारे ज़ीरो हो गए तो हम लिखेंगे सो इक्वेशन वन बी कम्स, सो इक्वेशन वन बी कम्स, तो ए वन भी ज़ीरो ए टू भी ज़ीरो ए एन माइनस वन भी सारे के सारे आगे ज़ीरो, तो हमारे पास रह गया ए एन वी एन इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और जब ये दो चीज़ें आ गई एंड सिंस वी एन इज नॉट इक्वल टू आइगन वेक्टर जो है वो क्या होता है, नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर, अगर ये
नॉट इक्वल टू जीरो है तो इट इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो जब ए एन भी इक्वल टू जीरो आ गया तो रिजल्ट निकला ए वन से लेके ए एन तक सारे के सारे क्या हो गए हैं, जीरो। हैंस ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री सो वन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये सारे के सारे जीरो आ गए तो सो वी वन वी टू वी थ्री सो ऑन अप टू वी एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये वेक्टर फिर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इंशाल्लाह 7.3 स्टार्ट करेंगे, और उसका वो स्टार्ट में जो है वो क्वेश्चन दिया गया फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, वो फाइंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।